वेलकम टू हिंदी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अपने इस कहानी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो, मेरी जुबान हलक नहीं में रुक गई हो, क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास अखिल, आशीष और जतिन की अलग अलग टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। उन तीनों की लाश देखते ही मेरी बहुत जोर से चीख निकली और मैं खड़े होकर बस उन लोगों की लाश को ही देखे जा रहा था। आशीष, जतिन और अखिल को किसी ने तीन तीन हिस्सों में काट कर फेंक दिया था। मैं चीख चीख कर रो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी और मैं उस समय को कोस रहा था कि जब हमने इस जंगल में आने का फैसला किया था। पर तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे आवाज लगा रहा है। मैंने झाड़ियों से निकलकर गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी और थोड़ी देर में ऊपर चढ़ भी गया, पर वहां मैंने देखा आशीष, जतिन और अखिल मुझे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे थे। वो मुझसे लगभग थोड़ी दूरी पर ही होंगे। वो अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर मुझे ढूंढते हुए आवाज लगा रहे थे। संतोष, 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 कहा है तू? मुझे अपनी आंखों पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या है यह। अभी अभी नीचे गड्ढे में झाड़ियों के पास मेरे तीनों दोस्तों की लाश कटी हुई हालत में पड़ी थी और अब बाहर वो तीनों मुझे ढूंढ रहे थे। यह सब देखकर मैं समझ चुका था हो ना हो इस जंगल में छलावा है जिसमें शायद मैं फंसने से बच गया और गड्ढे से बाहर निकल कर आ गया। बाहर आते ही मैं भागता हुआ फ्लैश लाइट जलाकर उन लोगों के पास पहुंच गया और जतिन, अखिल तीनों से मैं लिपट कर रोने लगा। तीनों बहुत हैरान थे, पर तभी आशीष ने कहा, भाई क्या हुआ? संतोष, किन लोगों की आवाज थी वो और तू कहां गया था? लेकिन उस समय मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैंने जो देखा वो, फिर उसके बाद किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला। पर फिर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार भाई, मैंने उस गड्ढे में झाड़ी के पास तुम तीनों की कटी हुई लाश देखी। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान थे, पर तभी जतिन ने कहा, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? तुझे कैसी बात कर रहा है? फिर मैंने कहा, कसम से भाई, मैंने यही देखा, तभी मैं बहुत डरा हुआ और परेशान था। फिर अखिल ने कहा, चलो देख कर आते हैं, पर मैं भी बहुत डरा और घबराया हुआ था। लेकिन मैंने भी कहा, हाँ चलो, यह सामने ही गड्ढा है और नीचे झाड़ियों के पास ही है। लेकिन आशीष ने हमको जाने से रोक दिया और उसने कहा, शायद इस जंगल में ही कुछ है, क्योंकि वो औरतें भी हमें नहीं दिखी, बस उनकी चीखने तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। हो ना हो इस जंगल में छलावा है। आशीष की बात सुनकर ऐसा लग रहा था शायद जो मैं सोच रहा था वही आशीष भी सोच रहा था। फिर उसके बाद हम चारों ने अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी और हम बस यही कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर निकल जाए। ऊपर से यह सब देखने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तीनों मुझे पकड़कर संभालते हुए ले जा रहे थे। हम चारों इस समय बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, बस किसी तरह से अब हम जंगल से बाहर निकल जाएं। हम किसी को मदद के लिए भी नहीं कह सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं था।
अंधेरी रात में जंगल बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। हर तरफ जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ अजीब सी डरावनी भयानक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था आगे की तरफ जाएं तो भी खतरा, पीछे की तरफ जाएं तो भी खतरा। जंगल के चारों दिशा में से किसी भी तरफ जाने का अनुमान लगाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम चारों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। डर तो सच में बहुत लग रहा था और चारों वहां बैठे बैठ बस यही सोच रहे थे कि किस तरह से हम बाहर निकले। यही हम सोच ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम 1 बजे से जंगल में आए हुए हैं, ना तो कोई जंगल के बाहर था और इतने बड़े जंगल के अंदर भी कोई नहीं दिखाई दिया, फिर वो चार औरतें अचानक से कैसे दिखाई दे सकती हैं? जब इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने नहीं देते तो वो औरतें लकड़ियां लेने कैसे आ गई और आ तो गई, ऊपर से थोड़ी ही देर में पता नहीं कहां चली गई, ना कहीं दिखाई दी, कुछ पता ही नहीं चला। आशीष की सारी बात सुनने के बाद जतिन ने कहा, हाँ कुछ तो है। फिर मैंने कहा, सच में वो औरतें ही कुछ ना कुछ है, क्योंकि ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं एकदम से, और हम सबको उनके रोने तड़पने की आवाज भी सुनाई दी थी पर हमें वो कहीं दिखी नहीं, और जो मुझे झाड़ियों के पास दिखा वो भी क्या है यह कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम चारों को यह पता था कि इस जंगल में कोई हमारे साथ छलावा कर रहा था। हम यही पेड़ के नीचे बैठे बैठे हम बस यहाँ से जिंदा निकलकर चले जाएं यही सोच रहे थे बस, और भगवान से दुआ कर रहे थे कि तभी अखिल ने कहा, चलो यार अब चलते हैं, 9 बज चुके हैं और यार मेरी गाड़ी भी बाहर ही है, और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नहीं है, पता नहीं किस हालत में होगी, सही है कि नहीं यह भी नहीं पता। अखिल के इतना बोलने के बाद हम चारों जो अभी तक बहुत ज्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे, पर उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान तो आई। पर तभी आशीष ने कहा, एक तो हमारी जान यहाँ मुसीबत में फंसी हुई है और यह भी नहीं पता हम यहाँ से जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं, ऊपर से अखिल को देखो, इसे अभी भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है। आशीष के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने को हुए कि तभी मेरी नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई हो। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी फोन की फ्लैश लाइट पेड़ की तरफ मारी तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा कि तभी मुझे जतिन और अखिल ने पकड़ लिया और कहा, संतोष क्या हुआ, तुझे ऐसे क्यों भाग रहा है। उनके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैंने उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया तो उन्होंने भी फ्लैशलाइट से जो देखा। उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सब उसी जंगल में फिर आगे की तरफ भागने लगे कि तभी भागते भागते आशीष ने कहा, जिसका डर था देखो वही हुआ। मैं कह रहा था कि मुझे भी औरतें साधारण नहीं लग रही थी। आशीष यह इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें फ्लैशलाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा था जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। यह देखने बाद से ही हमारे अंदर जितनी ताकत थी हम उतनी रफ्तार से उस जंगल में आगे की तरफ भाग रहे थे।
हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाए भगवान को याद करते हुए भागे जा रहे थे और बस यही कह रहे थे कि हे भगवान, जिंदा वापस निकाल दो बस इस जंगल से हमें, क्योंकि हमने यह तो तय कर लिया था कि अब कभी जिंदगी में किसी जंगल में तो घूमने नहीं जाएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यहाँ समय बहुत ज्यादा ही हो गया था और अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि जंगल है या मौत का कोई भूल भुलैया, क्योंकि इतनी देर से हम लगातार भाग रहे हैं, पर कोई तो रास्ता होना चाहिए जो हमें बाहर तक ले जाए। उस जंगल में लगातार काफी देर से भागते भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम पहले से ही हुए थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे। अब मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूल चुकी थी, मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी थक ही गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहां रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही वो हंसी की आवाज हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हंसी की आवाज अभी भी हमारे कानों में ही गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी थी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो और सब हमें एक साथ काट रही हो। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया, पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज सोने की आवाज में बदल गई। पर हम वहां रुके नहीं, बस हम भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शायद इस समय मौत के मुंह में ही हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम लोग इस सुंदरवन में आए। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने चीखने और तड़पने की आवाज ही बस सुनाई दे रही थी। पर तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग यह भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं कि अब हम यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाए या नहीं, लेकिन हम एक पल के लिए भी किसी भी जगह पर रुक नहीं रहे थे। हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज से भागता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। आवाज सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा, पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैशलाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, पर वो जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा।
उसके घसीटते ही अखिल के तड़पने की आवाज पूरे में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, मुझे बचाओ बचाओ मुझे। आशीष, संतोष, जतिन तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए अखिल की पीछे ही भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को ना जाने कौन घसीटते हुए लेकर चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज मारते हुए लगातार अखिल के पीछे ही भाग रहे थे, पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, वो आवाज अब एकदम से शांत हो गई। और उस आवाज के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग तभी भी लगातार अखिल को आवाज लगा रहे थे, अखिल अखिल कहाँ है तू। लेकिन हम लोगों को अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जा जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो यह भी थी, जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज बंद हुई थी तब से इस जंगल में भी जो खतरनाक डरावनी रोने चीखने हंसने और अजीब अजीब तरह की जो भी आवाज आ रही थी वो सब भी एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था पहले अखिल को ढूंढ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो अभी अखिल के साथ हुआ है यह हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि यह श्रापित जंगल है। मेरे इतना बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं, उन्हीं औरतों ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब करा है। यही सब बातें करते हम अखिल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट के साथ।